हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। लोकसभा चुनाव में मोदी की ऐतिहासिक जीत पर सभी बॉलीवुड स्टार्स उन्हें एक के बाद एक बधाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ चुनाव के नतीजों के मुताबिक बीजेपी देश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई है, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से रिलीज का इंतजार कर रही पीएम मोदी की बायोपिक स्टेटस पर दस्तक दे चुकी है। फिल्म में बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय पीएम मोदी का किरदार निभा रहे हैं। वैसे तो इन दिनों वो सलमान ऐश के एक वायरल मीम पर ट्वीट करने की वजह से लाइमलाइट में बने हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके पिछले मीम का मामला अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि जनाब ने एक और मीम शेयर कर ट्वीट कर डाला है। बता दें कि इस ट्वीट में मायावती, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, अजीत सिंह, सीताराम येचुरी समेत कई राजनेता नजर आ रहे हैं, जो साथ मिलकर महागठबंधन के लिए हाथ मिलाते दिखाई दे रहे हैं। आपको याद हो तो बता दें कि एक टाइम पर डिटर्जेंट का एक ऐड आता था, जिसमें सभी के कपड़ों पर से डिटर्जेंट पाउडर का पैकेट फ्लैश करता था। ठीक उसी तरह इन नेताओं के ऊपर से भी सफेदी की चमकार पास होते हुए एक पैकेट साइड में नजर आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस पैकेट पर मोदी लिखा हुआ है और फोटो के ऊपर लिखा है, क्यों चौंक गए? बता दें कि विवेक ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा है, सभी पॉलिटिशियन जो नरेंद्र मोदी से नफरत करने के लिए एक साथ हुए, उनसे गुजारिश है कि अपना ज्यादा समय भारत को प्यार करने में लगाएं, ना कि मोदी से नफरत करने। भारत को हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सेंसिबल विपक्ष की जरूरत है। तो देखा आपने किस तरह विवेक ने महागठबंधन का मजाक बनाते हुए उन पर तंज कसा है। बता दें कि उनका ये ट्वीट लोगों के बीच काफी वायरल हो रहा है। देखिए, ये फिल्म जो है एक ऐसी फिल्म है जिसका जो मैसेज है ये यूनाइटिंग मैसेज है, देश को एकजुट बनाने वाला मैसेज है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री का जीवन रहा है, नरेंद्र भाई का जीवन हमेशा यही रहा है। लोग देखें अभी आज का रिजल्ट कि उन्होंने प्रांतों से लेकर रिलीजियस कम्युनिटीज, कास्ट, सब लोगों को यूनाइट किया है एक इंडिया श्रेष्ठ भारत के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे गुट हैं जो अभी भी भारत के टुकड़े टुकड़े होते हुए देखना चाहते हैं, भारत को विभाजित होते हुए देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम सब एक हों, हम यूनाइटेड हों। तो ऐसे लोगों को ये फिल्म या ये प्रचार जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ, वो पसंद नहीं आ रही है बात। उसकी वजह से डेथ थ्रेट्स आए हैं, लेकिन मैं बहुत निश्चिंत हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र प्रशासन ने और पुलिस ने सिक्योरिटी दी है मुझे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं होगा, और डैड और मॉम का आशीर्वाद भी है। मैंने अभी तो जवाब दिया। मैंने अभी अभी जवाब बताया। ओके, जय थैंक यू। अरे कितने क्वेश्चन भाई, यहाँ पर कहाँ चाहिए तुम्हें, यहाँ पर Thank you.
साथ में साथ में। I think I'm not here for that, and that's his personal thing completely. Or but as a woman, what do you want to say about that? General opinion. See, I have no idea. मैंने इतना कुछ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व मैंने देखा नहीं था, बट आई थिंक जो लोग बोल रहे हैं, मैं डेफिनेटली एक चीज़ समझती हूँ, हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है हर चीज़ के लिए. मैंने वो चीज़ देखी थी, बट फॉर मी इट्स नॉट अबाउट ही नेवर कॉमेंटेड ऑन एनी वुमेन, दिस इज व्हाट आई कैन से. ही वॉज इट वॉज जस्ट यू नो एक चीज़ थी जिन पर उन्होंने कॉमेंट कर दी. ऐसे मिसअंडरस्टूड होते हैं लोग, मैं भी एग्जैक्टली मैं भी ऐसे बहुत मिसअंडरस्टूड हुई हूँ, सो दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. I want to say ki I think Vivek has always been misunderstood completely, and the reply which he did on that meme was not created by him. The meme was created by somebody else and it was completely misunderstood, but I think he's again come out and deleted it, yeah, and given his brief again on the Twitter, and also answered everything. So I don't think now at this on this occasion we should blow it out of proportion, so we should let it be there. मैं नुकसान और फ़ायदे के लिए फिल्म नहीं बनाता हूँ. मैं सिर्फ ये सोच के बनाता हूँ कि ये फिल्म बने, कोई भी फिल्म बने, उसको इंस्पायर हो, चाहे वो अलीगढ़ में हो, चाहे सरबजीत में हो, या मैरी कॉम में हो, या भूमि में हो, या ये फिल्म में हो. आई थिंक एवरी थिंग शुड बी फॉर द इंस्पिरेशन एंड फॉर द ऑडियंस. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. The film is going to be as successful as Modi's victory today. I think it's a great day for all of us, and the film is releasing at the right time. And let me tell you very honestly and very with full heart of mine that Anand Pandit standing beside me, who's the producer of the film, is as lucky as anybody else. His all his films have been success, and similarly this film on Narendra Modi ji is also going to rock at the box office. It has been really made very well with a lot of hard work by his director, by Vivek and the entire team of Narendra Modi ji. The days have come again. Modi ji has won the elections with a massive landslide victory, and I'm sure the film also will be as a big box office hit the way we have won the elections today. Thank you. Sir. Thank you. Thank you.